चलिए चलते हैं जेएमएम के कार्यालय में, जहां पर इस वक्त केंद्रीय महासचिव जेएमएम के सुप्रियो भट्टाचार्य एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मीडिया को क्या कुछ बता रहे हैं वो हम आपको सीधा सुनवाते हैं। बंगाल से लोग आ गए ढाणस बंधाने के लिए कि हम लोग हैं आपके साथ, आप लोग मत डरिए। लेकिन क्या करेंगे, उनके जो पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, 2014 से 19 तक जो इस राज्य के मुख्यमंत्री रहे, उनकी एक एक करतूत जब नेताओं के सामने आ गई तो जो भयावह दृश्य था एक दूसरे को पकड़ के बैठने का, वो सभी दृश्य हम लोगों के सामने में। कोरोना प्रोटोकॉल तो कहीं था ही नहीं। जैसे ही एक दस्तावेज आया, रहबर की राजधानी, जब उसमें कुछ तथ्य उल्लेखित किए गए कि किस प्रकार एक विशेष समूह पर लगी 625 करोड़ की पेनल्टी एक दिन में ही 400 करोड़ रुपए गायब करके 225 में तब्दील हो गया, तो लोगों के अंदर में कपकपी छूटने लगी। जो लोग परसों तक कहते थे कि हम केस मुकदमे से नहीं डरते, वही लोग कहने लगे कि हम पे जांच शुरू हो गया, हम पे केस होगा, ये गलत होगा, सरकार हम लोगों के साथ में दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई कर रही है, सरकार केवल और केवल पूर्व मुख्यमंत्री के चॉकलेट की चोरी हो, चाहे वो कोनार डैम का चूहा खा जाने वाला 400 करोड़ का घोटाला हो, चाहे वो अरबों रुपए का मोमेंटम झारखंड घोटाला हो, विधानसभा भवन के निर्माण का घोटाला हो, हाईकोर्ट के भवन निर्माण में घोटाला हो, मतलब घोटाले की जो फेरियस थी वो समाप्त ही नहीं हो पा रही। लग रहा था कि पिछला 2014 से 19 तक केवल और केवल लूट ही हो रहा था, वही आतंक उस लूट पर जब जांच शुरू होने की बात हुई तो लोगों ने एक दूसरे को पकड़ लिया। केंद्रीय मंत्री भी आ गए, हमको तो समझ में नहीं आता, जो पारदर्शिता की बात करते थे, जो दाग विहीन सरकार की बात करते थे, हमको तो लगता है हम लोगों ने पहले कुछ चेहरे देखे हैं। एक बीमारी होता है चेचक का, उस पे दाग आ जाता है और वो दाग कभी कभी तो जन्म भर रह जाता है, उसी और वो भी असंख्य दाग होता है। ये 5 साल की सरकार चेचक रोग से पीड़ित थी और उसके दाग इतना जम गए हैं, ना कोई साबुन से साफ हो पा रहे,
न किसी तरह से कोई तेल लगाकर ऑइंटमेंट लगाकर साफ हो पा रहा। अभी तो बातें शुरू ही हुई है। खनिज में तो अभी तक लोग गए ही नहीं, क्योंकि हम तो कोरोना हमारी प्राथमिकता थी, लोगों का जीवन बचाना हम लोगों की प्राथमिकता थी, उनके जीविका को कैसे संभाला जाए वो प्राथमिकता थी। धन्यवाद दिया गया आदरणीय प्रधानमंत्री जी को। अरे धन्यवाद तो हम भी लेने को तैयार हैं, लेकिन जो वैक्सीन का जो 50 करोड़ रुपए आप लिए हैं वो पैसा तो लौटा दीजिए। धन्यवाद तो आपको हम देंगे ही। 65,000 करोड़ रुपए से राज्य का जो केंद्र सरकार के पास बकाया है खनिजों के मामले में, केवल आप हमारे यहां से रेल से खनिज की ढुलाई करते हैं, लेकिन उसका वे बिल हम लोगों से नहीं लेते, उसकी परमिट राज्य सरकार से नहीं ली जाती। ऐसे कई बकाए हैं, जीएसटी का बकाया है। आज हम एक अखबार का रिपोर्ट देख रहे थे, पीएम केयर फंड से ऑक्सीजन प्लांट लगना था, लेकिन अभी तक ऑक्सीजन प्लांट लगना ही शुरू नहीं हुआ। 2-3 जिलों में कुछ सामान्य आई।